हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर सीनियर फैकल्टी एट अभी मनू आई एस और आज यहाँ पे हम पंजाब पी सी एस के बारे में बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम यू नो दैट कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हुआ था और अभी उसकी नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं बट बहुत जल्दी पंजाब पी सी एस की नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स बट एज़ यू ऑलरेडी नो कि मैंने ये बात कई बार रिपीट की इवन

ना आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ पाए और मेन्स का तो सवाल ही नहीं उठता राइट मेन्स इट मीन्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ओके हालांकि मैं कल भी बात कर रही थी इस बात पे कि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस कोई यू you नो know, बहुत ही डिफरेंट चीजें नहीं ऐसा कुछ भी okay? वो हम प्रीवियस ईयर कर चुके हैं पहले से ठीक है तो नोटिफिकेशन कैन बी आउट एनी टाइम राइट तो लेट्स डिस्कस ठीक है तो आज हम स्टूडेंट समझते हैं मेन्स के बारे में ठीक है तो मैं यहाँ पे आज मेंस के बारे में बात करूंगी मेंस की क्या इम्पोर्टेंस मेंस को लेकर बहुत सारा स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं मुझे बस उन्हीं पे, पे बात करनी है डाउट्स पे बात करनी है वैसे तो मैंने कल भी एक डाउट को रिजॉल्व किया था कि यू नो मैम मेन्स को और प्रिलिम्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए राइट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है राइट मेन्स पहले करें या प्रिलिम्स पहले करें राइट right, कुछ ऐसे ऐसे uh, मतलब यू नो स्टूडेंट्स के so मैंने एड्रेस करने की ट्राई की थी और आज मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ मेंस की राइट right? कि मेंस को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए राइट right? क्या एक यू you नो know, एक डिसेंट अप्रोच क्या है राइट right? कोई भी कैंडिडेट है चाहे फिर वो फर्स्ट टाइम ही क्यों प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहा है वो फ्रेशर ही है है ना अभी उसको नहीं पता इतना ज़्यादा उसने जस्ट अभी सिलेबस देखा है राइट मेन्स के बारे में उसको खास पता है नहीं तो उसी पे हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू द सिलेबस ऑफ आप मेन्स के टॉपिक्स ध्यान से देखो टॉपिक okay? वाइज उनको ध्यान से देखो और टॉपिक में हर एक सब्जेक्ट के बारे में देखो कि हर एक सब्जेक्ट की क्या डिमांड है एग्जाम के अंदर राइट right? जैसे तो आपका फर्स्ट पेपर जो आपका पहला पेपर है पंजाबी लैंग्वेज इट इज अ पंजाबी लैंग्वेज पेपर इट कि की पंजाबी बोलना आना चाहिए राइट right? बोलना इन सेंस कि आपको पंजाबी में सॉरी बोलना नहीं लिखना आना चाहिए ठीक है तो पंजाबी लैंग्वेज का आपको रिटर्न राइट right? आपका पंजाबी लिखना आना चाहिए आपको सेकेंड चीज पंजाबी जो है वो टेंथ लेवल तक या फिर ग्रेजुएशन में या फिर उसके बराबर इक्वेलेंट जो है वो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए देन यू आर एलिजिबल फॉर द पंजाबी सी राइट तो पंजाबी लैंग्वेज इज अ कम्पल्सरी पेपर ये कंपल्सरी पेपर है स्टूडेंट ये आपको देना ही देना है कोई भी वो नहीं है टूट नहीं है कि आप पंजाबी लैंग्वेज के पेपर को स्किप कर दो तो इसमें जैसे पंजाबी ग्रामर पंजाबी के अंदर आपको एक लेटर लिखना होता है राइट कॉम्प्रिहसिव पैराग्राफ्स आते हैं उनको आपको सॉल्व करने होते हैं राइट तो इस तरीके से पंजाबी लैंग्वेज का पेपर डिफाइन है यहाँ पे उसका सिलेबस भी बहुत अच्छे से डिफाइन है तो आप वहाँ से की हेल्प से आप पंजाबी लैंग्वेज का पेपर आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं सेकेंड पेपर है स्टूडेंट आपका ऐसे का स्टूडेंट आपको ऐसे लिखना होता है ठीक है अच्छा यहाँ पे आप जो आपकी लैंग्वेज है उसको आप चूज कर सकते हैं कोई भी जो भी आपने को ऑप्ट करना है या फिर पंजाबी जो भी, जो भी नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है स्टूडेंट आपका थर्ड वन दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर ठीक okay? है ये भी लैंग्वेज का पेपर है स्टूडेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश ही इसको अटेम्प्ट करना है इसमें आपका कोई चॉइस नहीं रहती या पंजाबी में इसको अटेम्प्ट करो ओके लैंग्वेज का पेपर है तो आप उसी लैंग्वेज में दोगे राइट right? फिर आपका जनरल स्टडी का पेपर वन है जिसमें आपकी हिस्ट्री जोग्राफी एंड सोसाइटी तीन सब्जेक्ट में से मेनली आपको जीएस पेपर वन पूछा जाता है प्लस करंट अफेयर चारों पेपर के अंदर करंट अफेयर आपके जोग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर आईटी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर हो सकता है एक आधा ठीक है तो ये पोर्शन आपको रेडी करना होता है ठीक है जी फिर आपका जनरल स्टडी पेपर टू तो है जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका इंडियन पॉलिटी प्लस गवर्नेंस गवर्नेंस गवर्न कैसे करते हैं है ना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है जब आप एसडीएम बन जाओगे डीएसपी बन जाओगे तो आप गवर्न करोगे राइट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखोगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे ओके तो उस तरीके से गवर्नेंस जो है टॉपिक को आप प्रिपेयर करते नेक्स्ट वन इज योर जर्नल स्टडी पेपर 3 जिसमें आप इकॉनमी स्टैटिक्स और आपका हां जी इकॉनमी स्टैटिक वाला पोर्शन आता है यहां पे ठीक है इकोनॉमी और स्टेटिक वाला पोर्शन यहाँ पे कवर होता है ओके नेक्स्ट इज जर्नल स्टडी पेपर फोर इसमें स्टूडेंट आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा यहाँ पे नीचे जो है आपको दिख नहीं रहा होगा चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ पे देखिए पे देखिए जर्नल स्टडी पेपर फोर जो है ना आपका आता है मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस आपका आता है यहाँ पे इनवायर yeah, तो ये आपके सब्जेक्ट हैं अच्छा वैसे तो देखो आपको गेंस का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं बताने की जरूरत ही नहीं थी माय पर्पस इज ओनली टू दैट आई वांट टू अवेयर यू मेरा काम है अवेयर करना आपको राइट रिलेटेड टू हर्डल्स या क्या क्या हर्डल्स आ सकती है आपकी मेन्स की प्रिपरेशन में और उसको कैसे हैंडल करना है को सब किस तरीके से आपको टारगेट करना है 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 ना ये मेन सवाल पे इसको मुझे सॉल्व करना है तो स्टूडेंट सबसे अच्छी तैयारी होती है मेन्स को करने की सबसे पहले तो student, आपके जितने भी मेन्स का सिलेबस जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा रफली आइडिया दिया जितने भी उसमें सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स जो हैं वो तो बहुत अच्छे से आपके रेडी होने रेडी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया आपके रेडी हो गए नहीं एक बार पढ़े थोड़ी ना रेडी होती कोई आपको उसको बार बार क्या करना पड़ेगा रिवीजन करनी पड़ेगी ठीक है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन इज द यू नो की फॉर सक्सेस जिसने रिवीजन किया है कि चाहे फिर वो कम ही क्यों ना पढ़ ले ठीक है वो कभी गलत नहीं करता अगर उसका क्वेश्चन वहां से आ जाता है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो रिवीजन ठीक है अच्छा आपको करनी है रिवीजन ओके। रिवीजन ओके करनी है इन सारे टॉपिक्स की बार बार रिवीजन करने के बाद स्टूडेंट उसको छोड़ नहीं देना है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कर लिया चलो जी छोड़ दो फिर आप करो पी वाई क्यू जब आप रिवीजन कर रहे हो ना उसके साथ साथ स्टूडेंट पी वाई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में मेंस की क्या डिमांड है फिर आप क्या करो इसके साथ साथ ही आप क्या कर सकते हो जब आप पी वाई क्यू देख रहे हो तब आप टॉपर्स की कॉपीज जरूर देखो टॉपर्स की ना कॉपीज जरूर देखो कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं मेन्स कुछ भी लिख दोगे जो आपका मन करे गाइडेंस बहुत जरूरी होती है डैम को क्रैक करने तो गाइडेंस के साथनिंग के साथ आप क्या करो एम सी की प्रैक्टिस करो और उनको आप इवेल्युएट जरूर करवाओ अपनी कॉपीज को या तो आप टॉपर की कॉपी से इवेलुएट कर लो खुद से लेकिन वो आप एक लिमिट तक ही कर पाओगे क्योंकि अपनी गलतियां आपको इतनी ज्यादा नजर नहीं आ सकती दूसरा बंदा आपकी गलतियों को एनालाइज कर तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी एमसी क्यू सॉरी स्टूडेंट सॉरी एमसी क्यू नहीं मेन्स मेन्स की आपको क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है मेन्स की आपको क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी इट आपको रोज डेली बेसिस पे टू या फिर थ्री क्वेश्चंस जो है ना वो आपको लिखने पड़ेंगे डेली बेसिस आपको उनको लिख, लिख कर देखना पड़ेगा फिर उन, आप कुछ हद तक तो खुद से इवेलुएट कर लोगे फिर जो है इवन आप क्या कर सकते हो हेल्प ले सकते हो राइट right? जिसने ऑलरेडी या तो मेंस लिखा हुआ है या फिर एक यू नो किसी कोचिंग सेंटर की जहां पे आप अपनी मेंस की प्रैक्टिस कॉपीज को क्या करवा पाओ इवेल्युएट करवा पाओ जो आपकी मिस्टेक्स को क्या कर सके रेक्टिफाई कर सके ठीक है तो ये होता है तरीका स्टूडेंट्स मेंस को कवर करने का तो मैंने क्या बोला उसको हम समराइज करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं अपने मेन्स के सिलेबस को देखते हुए टॉपिक्स ठीक है और उन टॉपिक्स की करनी है स्टूडेंट्स रिवीजन किए बिना आप नहीं लिख पाओगे जब तक आप उनकी रिविजन नहीं करोगे बार बार ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो आपने पॉलिटी पे फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन है फिर उसको कॉपी में लिखना ये बात अलग है वो भी बिना देखे नोट्स तो आप थोड़ा देख के बनाते हो ना हेल्प लेके बनाते हो वहां पे आपको बिना देखे लिखना है राइट उसके लिए मेन थिंग क्या है रिवीजन रिवीजन करनी है आपको बार 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 रिवीजन करनी रिवीजन के साथ साथ स्टूडेंट आप क्या करोगे सेकंड काम क्या करोगे पी क्यू को करोगे एनालाइज उनकी करोगे आप एनालिसिस की ठीक एनालिसिस करोगे आप यहां पे वाई क्यू पी वाई क्यू की जब आप एनालिसिस करोगे उसके साथ फिर आपको समझ में आना शुरू होगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है मेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस yeah, करनी है फिर आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर फिर क्या करो स्टार्टिंग में आप खुद भी वेल्युएट कर सकते राइट बेसिक बेसिक गलतियां तो आप पकड़ ही लोगे यार टाइम पे क्वेश्चन तो नहीं होगा हो रहा है प्रोडक्शन सही से नहीं कंक्लूजन तो लिखना भूल ही गया अरे अरेजेशन देने तो भूल ही गया मैं है ना अरे मैंने तो इंट्रोडक्शन अच्छा ही नहीं यहाँ पे यार मैंने ये डायग्राम नहीं बनाया है ना मुझे बनाना चाहिए था इसमें जी जोग्राफी का क्वेश्चन था या मैं फ्लो चार्ट बना सकता था है ना या मैं इसमें डायग्राम से बना सकती इट स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा आपको। हो या जिसने कभी है कोई आपका करीबी फ्रेंड है तो पहले से प्रे, कर राइट उससे आप क्या करवा सकते हो इवेल्युएट करवा सकते हो अपनी कॉपी को वो आपकी बहुत सारी गलतियों को पकड़ेगा स्टूडेंट यहाँ राइट right? वो ऐसे ऐसी ऐसी बारीक चीजों को भी पकड़ेगा जो आपकी पकड़ में नहीं आ रही राइट right? तो इस तरीके से अगर आप डेली बेसिस टू टू थ्री क्वेश्चन अगर आप डेली बेसिस पे मेंस के प्रैक्टिस करते हो सब्जेक्ट वाइज राइट पहले जैसे आपने जनरल स्टडी पेपर में हिस्ट्री के प्रैक्टिस किए फिर आपने जोग्राफी के प्रैक्टिस किए सोसाइटी के प्रैक्टिस किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए करंट अफेयर्स के किए इकोनॉमी के किए स्टैटिक के इन्वायरमेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग के

उसके बाद स्टूडेंट प्रीलिम्स के बाद बैठ के आप टॉपिक्स रेडी नहीं करते आप सोचो कि यार प्रीलिम्स के बाद बैठ के मैं गवर्नेंस के टॉपिक तैयारी कर लूंगा या मैं इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स रेडी कर लूंगी या फिर मैं डिसीजन मेकिंग भी कर लूंगी मैं सब कर लूंगी नहीं होते लीव, नहीं होता कंटेंट आपका जो है ना स्टूडेंट वो आपका प्रीलिम से पहले मेंस के लिए रेडी होना चाहिए तो माय मेन कि प्रीलिम से पहले आपका कंटेंट जो है फॉर योर मेन्स वो आपका रेडी होना चाहिए ओके स्टूडेंट क्लियर है इट क्लियर ओके ठीक है जी तो ठीक है स्टूडेंट इसी पे आज, आज आपके साथ डिस्कशन करनी थी आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा ठीक है डू कमेंट स्टूडेंट्स आपको ये सेशन कैसा लगा और भी अगर आपको कोई डाउट है कोई टाइप का डाउट है आप टाइम नहीं डाल पा रहे हो फोकस नहीं कर पा रहे हो आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो राइट right, डिस्ट्रेक्शन बहुत है किस कोई ऐसा टॉपिक जिसपे आपको लगता है कि मुझे वीडियो लेकर आनी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करने में प्लीज़ डू कमेंट स्टूडेंट राइट तो इसी के साथ मैं ये सेशन करती हूँ यहाँ पे ओवर और बिफोर दैट मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करूँगी कि हमारा पीसीएस के लिए पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए बैच शुरू हो चुका है स्टूडेंट्स तो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए इस बैच के लिए राइट और अगर आपकी एक आधी क्लास रह भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे डोंट वरी ये बैच ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है राइट किसी भी मोड में आप चूज कर सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे